अरे भूल गए समय कोरोना का, जब कितनों ने अपनों को खोया तो कितने ने अपने सपने को खोया। भूल गए समय कोरोना का, जब अपनों ने अपने को नहीं पहचाना था, तब हमने ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को भी अपनाया था। कल ड्यूटी किया तो देखे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, तो उसी समस्या को हमने कविता के फॉर्म में सम्मानित किया है। तो कविता है, आसान नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन पाना, आसान नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन पाना, 8-8 घंटा क्लास प्लस ड्यूटी कर पाना, 8-8 घंटा क्लास प्लस ड्यूटी कर पाना, रातों रातों जाकर प्रोसीजर फाइल क्लिनिकल डायरी बनाना, सेल जानकारी कर पाना, आसान नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन पाना। आगे है, जब ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी कुछ शिलाएं लिखी है। पेशेंट के चीखते चिल्लाते दर्दों का सामना, पेशेंट के चीखते चिल्लाते दर्दों का सामना, कभी समय पे खाना नहीं खा पाना, कभी समय पे खाना नहीं खा पाना, चाहते हुए भी पर्व त्योहारों में घर नहीं जा पाना, चाहते हुए भी पर्व त्योहारों में घर नहीं जा पाना, आपात स्थिति में भी ड्यूटी पे जाना, रातों रातों जाकर ड्यूटी कर पाना, स्लीप साइकिल का बिगड़ जाना, आसान नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन पाना। आगे लिखे हैं, जो कि अभी तक हम जो भी देखे हैं उसी को अपने कहानी को जो है कविता के फॉर्म में हम सजाए हैं। अरे भूल गए समय कोरोना का, जब कितनों ने अपने को खोया तो कितने ने अपने सपने को खोया। भूल गए समय कोरोना का, जब अपनों ने अपने को नहीं पहचाना था। भूल गए समय कोरोना का, जब अपनों ने अपने को नहीं पहचाना था, तब हमने ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को भी अपनाया था। भले ही कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल काल के गाल में समा गए, लेकिन स्वर्ग में यम भी उसे अपना बना लिए। आसान नहीं है पेशेंट के चेहरे देख उसके दुख दर्द को समझ पाना, आसान नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन पाना। थैंक यू।